हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन। एंड आई एम सानिया। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दैट हाउ कैन वी अप्लाई एनी मैट लिपस्टिक परफेक्टली। लिपस्टिक लगाना हम फीमेल्स का फेवरेट काम होता है, जो कि हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से लिपस्टिक लगानी आती होगी, बट मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके साथ हमेशा प्रॉब्लम होता है कि उनके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, उनके लिप्स पे क्रैक आ जाता है लिपस्टिक लगाने के बाद, और बहुत देर तक उनकी लिपस्टिक स्टे नहीं करती। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई भी लिपस्टिक अगर मार्केट से लेते हैं, वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बट जब हम उसे अपने लिप्स पे अप्लाई करते हैं तो उसका कलर बहुत ही ज़्यादा डल हो जाता है और वो अजीब सा लुक आता, ना ही लॉन्ग लास्टिंग होता। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को मैंने इस वीडियो के थ्रू सॉल्व किया है। सो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। की बात कर रही हूँ जिनके बहुत ज्यादा लिप्स ड्राई होते हैं, वो बहुत ही क्रैकी से हो जाते हैं। उसके लिए हमें किसी भी लिपस्टिक को अप्लाई करने से पहले अपने लिप्स की स्क्रबिंग करनी चाहिए। सो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिप्स पे कोकोनट ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। बस 2 ड्रॉप अप्लाई करना है एंड मैं एक टूथब्रश यूज कर रही हूँ और उससे हम अपने लिप्स की स्क्रबिंग कर, बहुत ही जेंटल हैंड से, क्योंकि लिप्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट एरिया है और उसपे हम हार्ड नहीं कर सकते। 30-40 सेकेंड्स के लिए ही करेंगे। एज यू कैन सी मेरे लिप्स कितने क्लीन एंड प्लम्पी लग रहे हैं। किसी भी लिपस्टिक को अप्लाई करने से पहले हमें अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप कोई ओल्ड लिपस्टिक भी अप्लाई करते हो तो उससे हमारे लिप्स पे कोई भी हार्म नहीं होगा और जो उसके केमिकल्स होंगे वो भी कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा और हमारे लिप्स कभी भी ब्लैक नहीं। मैं यहाँ पे एक लिप बाम अप्लाई कर ले रही हूँ अपने पूरे लिप्स पे। एंड बहुत सारे लोगों के लिप्स अनइवन होते हैं, बहुत सारे लोगों को इस पार्ट और इस पार्ट में ब्लैकनेस होती है एंड किन्हीं किन्हीं की पूरी लिप्स भी ब्लैक हो जाती है। तो उसे हम करेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कोई भी एक कंसीलर। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, जो हमारे डार्कन एरिया वहां पे अप्लाई करेंगे। देन फिंगर से ब्लेंड कर लेंगे हम इसे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बहुत सारी लिपस्टिक ऐसी होती है जिनके शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं बट वो उतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं होता, हमारे लिप्स पे उतने अच्छे से उभर के नहीं आता। सो उसके लिए हम क्या करें, सो उसके लिए हमें करना है कि कोई भी कंसीलर, या फिर अगर आपके पास कंसीलर ना हो तो आप कोई सा भी BBCC कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो और उसे आप अपने लिप्स पे अप्लाई। मैंने उस लिप बाम को वाइप आउट कर लिया एंड देन मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर। बहुत ही लेस अमाउंट में अप्लाई करना, इससे क्या होगा कि हम जो भी लिपस्टिक अप्लाई करेंगे वो बहुत ही उभर के हमारे लिप्स पे आएगी। एंड देन हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक। सो फॉर द लिपस्टिक आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्लू हेवन एलिगेंस मैट लिप कलर इज इन द शेड 03। मैं आपको प्रिफर करूंगी कि अगर आपको सही से लिपस्टिक लगानी नहीं आती है तो आप प्लीज उस टाइप की लिपस्टिक यूज करें जिनके जो एप्लीकेटर हो वो मीडियम साइज के हो, ना ज्यादा लॉन्ग हो और ना ही ज्यादा शॉर्ट हो। इससे क्या होगा कि आपको अप्लाई में बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। सो इसका एप्लीकेटर बड़ा है बट आई एम कम्फर्टेबल विद दिस। सो किसी भी लिपस्टिक को अप्लाई करने से पहले हमें अपने लिप्स की आउट लाइनिंग करनी चाहिए। सो अगर आपके पास आउट लाइनर ना हो तो आप जो एप्लीकेटर का ये टिप एरिया है, इस एरिया से आउट लाइनिंग ईजी वे में कर सकते हो। मैं
मैं थोड़ा सा अपने क्रीज से ऊपर जा रही हूँ आउट लाइनिंग, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बिग दिखाना अपने लिप्स को। अब हम इसे फिल इन करेंगे, तो फिल इन के लिए हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हमें अपने मिडिल पार्ट ऑफ द लिप वहां से स्टार्ट करना चाहिए। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप डिप करके जब निकालते हो एप्लीकेटर को अपने लिपस्टिक के, तो हमेशा आप ट्राई करो कि उसी एक बार में आप पूरे लिप्स पे फिल इन कर लो, क्योंकि अगर आप बार बार डिप करोगे एंड देन अप्लाई करोगे, इसी से हमारे लिप्स में क्रैकीनेस आ जाता है और वो जो लेयर आ जाते हैं लिप्स पे वो बहुत ही अनइवन दिखाता है, और कहीं पे हमारा लिप बहुत ही ज्यादा थिक सा दिखता है और कहीं पे थिन होता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि एक बार में जितना अमाउंट आए उतने को ही कोशिश करें कि हम अप्लाई कर लें। तो चलिए हम इसे पहले अप्लाई कर लेते हैं। तो मिडिल पार्ट अप्लाई करने के बाद हम उसी को मर्ज करने की कोशिश करेंगे। एज यू कैन सी कि हमारा एक डिप में ही लिपस्टिक अप्लाई हो चुका है पूरे लिप्स पे, और यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके थ्रू हम अपने लिपस्टिक को क्रैकिनेस से बचा सकते हैं। देन इसे और ज्यादा पिगमेंटेड एंड प्रोफेशनल दिखाने के लिए हम फिर से इसे एक कंसीलर के थ्रू आउट लाइनिंग करेंगे अपने लिप्स की। इससे क्या होगा कि कुछ अगर एक्स्ट्राज होंगे तो वो हाइड हो जाएंगे और हमारे लिप्स बहुत ही ज्यादा क्लीन, शार्प एंड फुलर से दिखेंगे। तो मैं उसी कंसीलर से अपने लिप्स के नीचे एक आउट लाइनिंग सी कर रही हूँ। बहुत ही लाइट लाइट सा करना है, अंदर इसे एक फ्लैटन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। अगर आपके पास कंसीलर ना हो या फिर कोई फाउंडेशन ना हो तो आप इसे एक पाउडर के थ्रू भी कर सकते हो। तो हम इसे पहले ब्लेंड कर लेते हैं, फिर आप इसमें डिफरेंस अच्छे से देख पाओगे। फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। इसे मैं हल्के से पाउडर से फिर से सेट कर ले रही हूँ कि वो जो क्रीम है हमारा कुछ भी क्रीज ना हो पाए। सो एज यू कैन सी कि हमारी लिपस्टिक कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है, और ये जो लिपस्टिक है ये सिर्फ 100 रुपीज की है, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने कोई नॉर्मल सी लिपस्टिक यूज की है। ये बिल्कुल अच्छे से पिगमेंटेड दिख रही है और बहुत ही प्यारी लग रही है हमारे लिप्स पे। सो अगर आप भी इसी तरीके से लिपस्टिक अप्लाई करोगे तो आपकी भी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपकी भी एक नॉर्मल सी लिपस्टिक बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड एंड वेल डिफाइंड रहेगी। तो अगर मेरी बताई हुई कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दें। एंड अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्वेरी कुछ भी हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो या फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें।